कहते हैं औरतों को समझना मुश्किल है, औरतों को या उनके शरीर को। पिछले कुछ एक महीने से मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात कर रही हूँ जिन पर बात करने से लोग अक्सर कतराते हैं, शर्माते हैं, खुलकर बोल नहीं पाते। लेकिन हाँ, जब मन करता है तब गूगल ज़रूर कर लेते हैं और वहाँ जो आधी अधूरी सी जानकारी मिलती है उसी में अटक कर रह जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल खुलकर बात करेंगे वजाइना के बारे में। चलिए आज की बायोलॉजी की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। आज से कुछ 50 साल पुराना किस्सा है, मैं तो तब तक पैदा नहीं हुई थी, आप में से भी शायद ज़्यादातर लोग तब तक पैदा नहीं हुए होंगे, इसलिए आपने शायद ये किस्सा नहीं ही सुना होगा। तो 1972 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में एक स्पेस क्राफ्ट भेजा। इसका नाम था पायनियर 10। नासा ने सोचा कि अगर पायनियर 10 को स्पेस में एलियंस मिल जाते हैं तो क्यों ना उनके लिए एक संदेश भेजा जाए और अपना इंट्रोडक्शन भी करा दिया जाए कि धरती पर हम लोग रहते हैं, आदमी और औरत। तो आदमी तो ठीक ठाक ही दिख रहा था, लेकिन औरत को न जाने क्यों अधूरा ही रहने दिया। यानी औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करने में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को शर्म आती है, नासा को भी शर्म आ रही थी। वहां भी जिस किसी ने स्केच बनाया उसने इसे खाली ही छोड़ दिया। लेकिन हम तो बात करेंगे क्योंकि हमें तो शर्म आती नहीं है। तो आज बात करेंगे महिलाओं के जननांग के बारे में, जिसे हिंदी में योनि और अंग्रेजी में वजाइना वल्वा कहते हैं। आप जिसे वजाइना कहते आए हैं दरअसल वो है वल्वा, जो कि ऐसा दिखता है। ये है वजाइनल ओपनिंग, यानी वो छेद जहां से वजाइना खुलती है और यूटरस तक का रास्ता बनता है। ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन या पेशाब निकलता है। ये है क्लिटोरस और ये है क्लिटोरस की फोरस्किन, जिसे प्रोप्यूस कहते हैं। वैसे क्लिटोरस पर मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में जानकारी दी थी। और ये है बाहरी हिस्सा लेबिया। वल्वा हमेशा ही थोड़ा वार्म और मॉइस्ट, यानी गर्म और नम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूटरस के रास्ते शरीर से कई तरह के फ्लूइड्स लगातार बाहर आते रहते हैं। वजाइना की खासियत ये है कि ये लगातार खुद को साफ करती रहती है, इसलिए यहाँ साबुन लगाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ पानी से इसे धो लेना ही काफी है। बाहर लेबिया की दो परतें मौजूद होती हैं, ये भी इस बात का ख्याल रखती हैं कि योनि हमेशा साफ रहे। बाजार में कई तरह के वजाइना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ये ना केवल महंगे होते हैं बल्कि इन्हें बार बार इस्तेमाल करके फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। ये महिलाओं को टारगेट करते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हैं कि औरतें अपनी सेहत के बारे में खुलकर बात नहीं करती हैं। कुछ महीनों पहले अमेरिका में एक लड़की ने टिकटॉक पर अपने अंडरवेयर का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देख सकते थे कि उस अंडरवेयर का रंग जो है बीच में से उड़ चुका था। इस लड़की ने सवाल किया वीडियो में कि क्या आपको ये देखकर डर नहीं लगता कि वजाइना इतनी एसिडिक है कि अंडरवेयर का रंग ही उड़ जाए। इस वीडियो को देखने के बाद हजारों लड़कियों ने कमेंट किया कि उनके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये नॉर्मल है। उन्होंने ये लिखा कि उन्हें इतनी शर्म आती थी कि उन्होंने कभी किसी से ये तक नहीं पूछा कि क्या ये नॉर्मल भी है या नहीं। सोचिए, ये हाल अमेरिका का है जहां हमें लगता है कि हर चीज पर खुलकर बात होती है, देश कोई भी हो, भारत या अमेरिका। जब बात महिलाओं की सेहत की होती है तो खुलकर बात कहीं नहीं होती। बहरहाल, अंडरवेयर के रंग उड़ जाने की वजह यह है कि वजाइना एसिडिक होती है। एसिडिटी को पीएच में नापा जाता है। जब किसी चीज की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो उसे एसिडिक माना जाता है, और वजाइना की 4 से 5 के बीच में रहती है। इसकी भी वजह है। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि महिलाओं के जननांग जो हैं वो हमेशा गर्म और नम, वेट एंड मॉइस्ट रहते हैं, और ये वेट एंड मॉइस्ट जो है ये एटमॉस्फेयर बैक्टीरिया और फंगस के उगने के लिए बिल्कुल सही है। तो हमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए कुदरत ने एक फूल प्रूफ मेथड बनाया हुआ है वजाइना की एसिडिटी को बढ़ाकर। तो अब लौटते हैं वजाइना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की तरफ। इनके इस्तेमाल से पीएच वैल्यू, एसिडिटी जो है वो घट जाती है, और एसिडिटी कम होगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो आपको इन्हें और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंपनियों को और क्या चाहिए। इसलिए कभी भी डॉक्टर से पूछे बिना ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आपको इन्फेक्शन ना हो, आपके जननांग बचे रहें, इसके लिए कुदरत ने और भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। वल्वा के बाहर लेबिया की दो परतें उसे सुरक्षित रखती हैं।
इसके अलावा वहाँ बाल भी होते हैं। जिस जमाने में अंडरवेयर नहीं होते थे, बालों के पास जिम्मेदारी ज्यादा होती थी। आजकल कुछ लड़कियां इन्हें वैक्स करना पसंद करती हैं, पर क्या इसकी जरूरत है? The pubic hair is not just a useless wig for your vulva. It's actually really helpful. It can protect you from germs and infections, but also from friction from whatever you do, for example, sex. So it's actually kind of extra layer of protection. तो अपने शरीर को बेहतर रूप से समझें, जरूरत पड़े तो आईने का इस्तेमाल करें। और मन में कोई सवाल आए तो डॉक्टर के पास जाइए, गूगल मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ जिस पर लोग अक्सर दबी हुई सी आवाज में बात करते हैं। नमस्कार।